अगर मैं आपको चार धाम यात्रा के बारे में सीधे सीधे शब्दों में बताना चाहूँ तो इसका मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति की यात्रा। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि अगर हम एक बार में चार धाम की यात्रा पूरी कर लेते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम जीवन मरण के अनंत चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वैसे हमारे देश में दो प्रकार की चार धाम यात्राएँ होती है और इन दोनों ही चार धाम यात्राओं का हिंदू धर्म में समान धार्मिक महत्व है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए जानते हैं क्या है चार धाम यात्रा और क्यों इन दोनों चार धाम यात्राओं का हमारे हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा धार्मिक महत्व है। हमारे देश के चार प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर, यह चारों मंदिर हमारे देश की मुख्य चार धाम यात्रा का हिस्सा है। और वहीं उत्तराखंड के चार प्रमुख तीर्थ स्थल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, यह चारों मंदिर उत्तराखंड की छोटा चार धाम यात्रा के रूप में पूजनीय है। चार धाम और छोटा चार धाम की धार्मिक मान्यता समान होने की वजह से अधिकांश श्रद्धालुओं में बड़ी असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि कौन सी यात्रा मुख्य चार धाम यात्रा है। और इसी वजह से अधिकांश श्रद्धालु छोटा चार धाम यात्रा को ही मुख्य चार धाम यात्रा मान लेते हैं। इसीलिए आजकल मुख्य चार धाम यात्रा को बड़ी चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। चार धाम यात्रा के चारों तीर्थ स्थल जहाँ देश के चार अलग अलग दिशाओं में स्थित है, जैसे उत्तर दिशा में बद्रीनाथ मंदिर, पश्चिम दिशा में द्वारिकाधीश मंदिर, दक्षिण दिशा में रामेश्वर मंदिर और पूर्व दिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर स्थित है, वहीं छोटा चार धाम यात्रा के सभी तीर्थ स्थल उत्तराखंड में ही स्थित है। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा करने के लिए किसी भी तरह के निश्चित नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ में आपको इस यात्रा का वर्णन देखने को मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर किसी पुराण और ग्रंथ में इस धार्मिक यात्रा का वर्णन नहीं है तो हमारे हिंदू धर्म में इस चार धाम यात्रा को इतना ज़्यादा धार्मिक महत्व क्यों दिया जाता है। अब हम जब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं तब हमें यह पता चलता है कि हमारे पुराणों और ग्रंथों में भगवान विष्णु और भगवान शिव को एक दूसरे का शाश्वत मित्र बताया गया है। और इसके अलावा कई अन्य पुराणों और ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। और ऐसी ही समानता हमें इन चारों तीर्थ स्थलों में भी देखने को मिलती है। जैसे बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। द्वारिकाधीश मंदिर जहां भगवान विष्णु को समर्पित है और सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। श्री जगन्नाथ मंदिर जहाँ भगवान विष्णु को समर्पित है और भुवनेश्वर के पास में स्थित लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और अंत में रामेश्वरम मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और त्रेता युग में निर्मित राम सेतु प्रभु श्री राम को समर्पित है। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर में स्थापित भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना स्वयं श्री प्रभु राम ने की थी। यही वजह है कि इन चारों तीर्थ स्थलों में इसी समानता की वजह से हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा बड़ी प्रमुखता के साथ की जाती है। आशा है चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई यह छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप यह भी समझ पाए होंगे कि क्यों इन तीर्थ स्थलों को इतना ज़्यादा धार्मिक महत्व दिया जाता है। हमारे देश से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक और अनसुनी बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री से। अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हो सके तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ, तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।